और राइट टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बाइक्स लेके आए हैं। तो ये है यामाहा लवर्स के लिए एक प्रॉपर वीडियो, जो कि हमारे पीछे बाइक रखी हुई है। अभी तो ब्लर है, फिर भी आप पता लगा रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताना भाई। बहुत ही खतरनाक एवर बिल्ट है हमारे अमन भाई की तरफ से, जो कि हैं ग्वालियर में। तो अभी हम ग्वालियर आए हुए हैं जैसे कि आपको पता है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस बाइक के बारे में। तो आखिर कौन सी बाइक है, तो चलो अब आपको दिखाते हैं। तो ये है 3, 2, 1। गाइस, तो ये है बिल्ट एक कस्टम कैफे रेसर रेट्रो स्टाइल RX 100, जो कि आप यकीन नहीं मानोगे। वीडियो में तो आप देख रहे हो, आंख के सामने इसको देखना कितना ब्यूटीफुल है। इवन छोटी छोटी सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। सबसे प्यारा जो आई कैची है ना मुझे, ये जो इसका वो है हेडर्स, ये बाहर से ही इम्पोर्ट कराया गया है। तो चलो ये सारी बातें करते हैं। तो ये है हमारी RX 100, जिसमें सिर्फ इसका टैंक और इसका इंजन ही है जो स्टॉक है, बाकी सब फुल्ली कस्टम है। तो सारी डिटेल में जाते हैं, बट उसके पहले तो आप लोग वेट कर रहे होंगे कि इसका एग्जॉस्ट नोट सुना जाए, वो भी ज़रूर सुनाएंगे। तो इसमें क्या सारी चीज़ें लगी हैं, तो हम अमन भाई को बुलाते हैं, अमन भाई बताएंगे क्या सारी चीज़ें होती है। ऑलराइट अमन भाई, काफ़ी मज़ा आया अमन भाई से मिलके। तो अमन भाई की ये जो क्रेजी मॉड्स हैं, तो इसको कितना टाइम लग गया इसको बनाने में? ऑलमोस्ट 1 ईयर के आसपास लगा है। एक साल ड्यू टू लाइक 1 साल हो गया था तब आया था, तब ये खड़ी हुई थी, काम चल रहा था इसके ऊपर। तो अभी अगर हम स्टार्टिंग यहाँ से करें, टैंक में ग्राफिक्स हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट व्हील में क्या क्या हो चुका है हमारी बाइक में? लाइक अपना ये CVR का रिम सेटअप अपने इसमें डाला है। GT अपना 650 का, उसका अपना ये सस्पेंशन सेटअप डाला हुआ है कोन सेट के साथ। तो भाई देख रहे हो सामने पूरा CVR का लगा हुआ है, पूरा हमारा अलॉयज, जिसमें भी आप देख रहे हो डिस्क पैड भी जो है, मतलब कैलिपर्स भी हैं, उल्टे लगे हुए हैं। तो ये आई गेस 280mm के रोटर्स हैं, 260mm के रोटर्स हैं CVR के। और जो सस्पेंशन है ना, तो जो ओल्ड रेट्रो लुक कैफे रेसर जो हमारी GT है ही, तो वैसे ही सस्पेंशन इसमें लगे हुए हैं, जो कि ऊपर भी क्लिप ऑन कॉन्टिनेंटल GT का है, आपको सिनेमैटिक में तो दिख रहा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा, R3 के कैलिपर्स हैं। हाँ, रेट्रो हेडलाइट्स, दो हेडलाइट्स, ट्विन हेडलाइट्स, ये हो गया। और सस्पेंशन को हमने काफ़ी लोअर किया है, तभी वो जो पॉस्चर आता है ना, ये पॉस्चर बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो सस्पेंशन का हमारे वो है, तो वो काफ़ी ऊपर निकले हुए हैं, हैंडल नीचे, तो ये काफ़ी अच्छा रेट्रो लुक आ जाता है पूरा कैफे रेसर का। तो ये हो गया फिलहाल फ्रंट की बात। अब बात करते हैं जो सब लोग के माइंड में है, मेरे भी माइंड में है कि भाई तुमने ये हेडर कहाँ से मंगवाए? मैंने बॉम्बे से अपना एक दोस्त का RD 350 था, तो उसका पड़ा हुआ था, तो उसका इम्पोर्टेड है, प्रोटोन का अपना इम्पोर्टेड जेन्युइन एग्जॉस्ट है, पावर चैम्बर है। अच्छा, तो ये बाहर ही बॉम्बे RD 350 का ही अपना। ओके, तो RD 350 का भाई इम्पोर्टेड है, क्योंकि वही बहुत क्लासी लग रहा है यार। ये जो चीज़ है ना, ये निकली रहती है, मैं ज़्यादातर थाईलैंड के जो वीडियोज़ होते हैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ, उन लोग ही यही सब काम करते हैं। और यहाँ आगे लगा हुआ है हीट रेजिस्टेंस वाला पूरा सारी चीज़ें। इंजन कितना पुराना है ये? इंजन अपना 1985 तब का मॉडल है, तब का ही, जब वही चल रहा है, बोर वगैरह करा दिया अभी इसमें 150 सेक्शन का वो चल रहा है। अच्छा, बोर भी हो गया, बोर हो गया है। तो भाई थोड़ा पावर भी बढ़ गया और वेट तो काफ़ी रिडक्शन हो गया, आपको आवाज़ सुनाएंगे। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं आप सस्पेंशन पे। अच्छा, सस्पेंशन छोड़ो, चेसिस, तो चेसिस भी मतलब फुल्ली मॉडर्न है। चेसिस हमने लाइक यहाँ से हाफ से कट करके पूरा उसको मॉड किया अपने हिसाब से, सिंगल सीटिंग बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को चेसिस देख के भी लग रहा है थोड़ा और लंबी भी है, और थोड़ी पता नहीं मस्कुलर टाइप क्यों लग रही, क्योंकि इसमें आ गया है मोनोशॉक। तो मोनोशॉक लगाने से जो लुक बढ़ गया है ना बाइक का, वो बहुत खतरनाक। तो इसी बात पे मोनोशॉक फिर किस बाइक के? ये अपना NS का मोनोशॉक है, RS का अपना स्विंग आर्म है। ओके, तो भाई वही मैं तो सोच रहा हूँ, तो RS NS सबका सेम ही रहता है, तो उसका अपना पूरा स्विंग आर्म आ गया और सस्पेंशन भी आ गया। जो कलर स्कीम भी है ना भाई, येल्लो और ब्लू, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब येल्लो नहीं कहेंगे इसको, लेमनेड या फ्लोरोसेंट ग्रीन कहेंगे, फ्लोरोसेंट भाई नियॉन कह लें, हाँ नियॉन का टच है ब्लू के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है यामाहा के साथ। तो भाई सेम इसमें भी किया है सस्पेंशन में, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और फिर आ जाते हैं रेयर सेगमेंट, रेयर टायर में, तो रेयर अलॉयज ये किसके हैं? CVR का ही पूरा सेट डाला हुआ है।
गोल्ड के साथ कैलिपर है। अब आ जाते हैं बात सीट पे, तो सिंगल सीट कहेंगे और ये कस्टम पूरा ये फ्लैट डिज़ाइन बॉबर कह लें या कुछ कहते हैं इसको, तो ये वाली चीज़ जो है ना और ये चेरी कलर में बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही ऑसम लग रही है। सिंगल किक में चालू हो जाती है भाई, अभी हमने चालू किया था सिंगल किक में चालू तो। और ये जो स्लिप ऑन है, स्लिप ऑन भी काफ़ी क्यूट सा लग रहा है, मतलब ऐसे ही मैंने देखा है कि ये सब में पतले ही वाले रहते हैं, है ना आउटलेट, बड़ा बड़ा देंगे तो लुक ख़राब हो जाता है। तो ये जो रेट्रो स्टाइल का है ना, बहुत ही भयंकर। और गाइस जो पीछे भाई का ना भाई, तो उसकी जो चाबी है, वैसे तो ये है जो GT का ही पूरा की चेन का सेटअप, तो सबसे मस्त चीज़ तो भाई ये है जो आप ये स्कल देख रहे हो ओल्ड रेट्रो, तो इसको अगर हम दबाएंगे तो भाई इसके अंदर ही एनालॉग वॉच है, तो भाई ये है ना फुल रेट्रो फील। जिसको रेट्रो बाइक पसंद है, वैसे किसको रेट्रो बाइक नहीं पसंद, और यामाहा RX 100 तो सबके माइंड में है ही। तो चलो भाई, अब जिसका वेट था आपको 2-स्ट्रोक इंजन के साउंड का, तो वो आपको सुनाते हैं। जैसे एक रेट्रो बाइक है तो लेदर ग्लव्स पहनना तो ज़रूरी हो ही जाता है। अब इसको हमने पहना, तो तैयार हो आप लोग सब साउंड सुनने के लिए? तो गियरिंग वैसे ही है, 4 स्पीड, 1 नीचे बाकी 3 ऊपर। तो हमने ये निकाला साइड किक और भाई एक किक में चालू हो जाती है। अगर आप इसका पॉस्चर भी देखोगे, इसका पैर का सेटअप भी ऐसा है, तो ये फुल कैफे रेसर वाली वाइब होगी। खतरनाक भाई, खतरनाक पावर, पावर तो इतना जनरेट कर रही है ना, मेरे पैर में फील हो रहा है, मतलब बस ड्रैग रेस है, इसको गियर डालो। और अगर बात करें इसकी वेट की, तो वेट तो बहुत हल्का है यार, मतलब आई गेस उठा लूँ यार, तो यही कितना मस्त लग रहा है। अब बस ऐसा लग रहा है ठंड में बस रेट्रो लेदर जैकेट पहनो और निकल जाओ इसको लेके, इसको से उठा के ऐसे देखा। यहाँ भाई बाइक में इसको किया न्यूट्रल और ये एक केक, और ये भाई चालू हो गई है, ये डाला फर्स्ट, ये सेकंड गियर, भाई क्या पिकअप आ रहा है। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। खतरनाक, मतलब इतना वेट इसका सिर्फ 100 किलो है आई गेस। स्टॉप ही भी हो रही है, मतलब ये अल्टीमेट लगा होगा आपको वीडियो। और भाई टायर्स लुक आप वीडियो पे तो चेकआउट कर ही रहे होगे, बहुत खतरनाक, पूरा रेट्रो, बस डेनिम जैकेट का है कि डेनिम जैकेट हो जाती तो और अच्छा लगता। मन कर रहा है वीडियो शूट करते रहूं करते रहूं, चलाने भी बहुत पावर है। थ्री टू ब्रेक्स भी ऑन पॉइंट है, ऑन पॉइंट। पावर टू द वेट रेशियो बहुत मस्त है। अगर इसमें एवर अभी बिल्ट हो, जैसे अभी हमारी बातचीत चल रही है, अब जैसे ये तो सक्सेसफुल हुआ ये वाला प्रोजेक्ट, तो RD 350 का भी कुछ किया जाएगा, कुछ अच्छा, जैसे आप लोग देखते हो जो ड्रैग रेस वाली बाइक होती है एकदम पतले टायर वाली, तो वो वैसा कुछ प्रोजेक्ट बनने को आ रहा है।
तो अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी कूल अमेजिंग वीडियो आपको देखनी रहेगी तो नीचे कमेंट करके बताना बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तब तक के लिए दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ। अमन भाई को भी सपोर्ट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ आप उनको फॉलो कर सकते हो। और जो सारी चीज़ें हैं, इतने टायर्स यहाँ क्यों रखें, इसके ऊपर भी जल्द ही वीडियो आ रही है इसके बाद, तो स्टे ट्यून, कहीं जाइएगा नहीं। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो मिलते हैं आप सब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।